आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 10th के आपदा के चैप्टर 4 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का वीडियो करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन क है, सार्वजनिक टेलीफोन जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ग है, अंतरिक्ष जो है वैकल्पिक संचार साधन निम्नलिखित में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन घ है, आतंकवाद जो है निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेटिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन घ है, सभी के लिए होता है, मतलब दूर संचार के लिए, मौसम विभाग के लिए और संसाधनों की खोज के लिए रिमोट सेटिंग उपग्रह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप पर प्रभावित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ख है, 56% भारत में भूमि भूकंप प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ग है, वर्तमान में मोबाइल जो है उपयोग देने वाला सबसे अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन क है, केबल का टूट जाना, मतलब केबल तार का टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।